एयरटेल ऑनलाइन रिचार्ज। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन एयरटेल, पेटीएम, टाटा स्काई, वोडाफोन में ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं एयरटेल पे। आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए एयरटेल, आपके सामने आ जाएगा ये पेज। आप इस पर क्लिक कर दिए, एयरटेल रिचार्ज पे इसका पेज खुल जाएगा। इसमें आप हर तरह का रिचार्ज, ब्रॉडबैंड, पोस्टपेड, प्रीपेड, हर तरह का रिचार्ज कर सकेंगे। मैं यहाँ पर आपको प्रीपेड रिचार्ज दिखा रहा हूँ कि आप कैसे करें। यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेन रिचार्ज, इस पर क्लिक करिए। रिचार्ज आप किस पे करना चाहते हैं, प्रीपेड, डिजिटल टीवी, पोस्टपेड। प्रीपेड में रिचार्ज करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ क्लिक किया। फिर अगली विंडो जो खुलेगी उसमें मैं अपना नंबर डालूँगा। जैसे मेरा यह पहले से जो नंबर डाला हुआ है वो आप इसमें डाला होगा, उसमें डालना, ये नंबर डालता हूँ। इसमें देखता हूँ मेरे जो उसके लिए बेस्ट ऑफर्स हैं, ये पहले ही नीचे दिखा देता है। देखिए 8 में, 10 में, 25 में, 40 में, 98 में, जैसे में जो परफेक्ट ऑफर है दिखा देता है उसकी डिटेल्स के साथ नीचे। अब आता है अमाउंट, कितने अमाउंट का आप करना चाहते हैं। अगर आप कोई टेम्प्रेरी अमाउंट जैसे 10, 20, 50 का करना है तो उसमें से टैक्स कटेगा और हट जाएगा। अगर आप इसमें से कोई पैक करना चाहते हैं, आपके लिए स्पेशल पैक, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। बस ये अगली विंडो पे आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप और कोई यूज़ कर रहे हैं ऐप के थ्रू भी, एयरटेल ऐप और एयरटेल मनी के थ्रू भी ये करता है। एयरटेल ऐप में फ़ायदा रहता है कि आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाता है रिचार्ज करने पर। यहाँ पे अमाउंट आ गई, इसमें मेरे पैक की डिटेल्स आ गई, नंबर आ गया। अब मैं रिचार्ज कैसे करना चाहता हूँ, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मैं अपना कोई बैंक आपका हूँ। अगर इसमें से कोई बैंक नहीं है तो यहाँ पे मोर बैंक्स का ऑप्शन आता है, आप उसमें सेलेक्ट कर लिए। एयरटेल, पेटीएम या बैंक वॉलेट्स। ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था 5% कैशबैक, ये ऑनलाइन के थ्रू भी होता है। ऐप से करने में फ़ायदा रहता है कि काफ़ी जल्दी हो जाता है। आपको कार्ड या नंबर किसी ऑनलाइन साइट पर नहीं डालना है, अपना नेम डाल दीजिए, जो कार्ड पे नेम है, जिसके नाम पे अकाउंट है, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, और जैसे नॉर्मल शॉपिंग होती है ऑनलाइन वैसे ही हो जाएगा कंटिन्यू टू पे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एयरटेल का ऑनलाइन रिचार्ज कैसे होता है। अब आते हैं पेटीएम पे। पेटीएम एक इंडियन पेमेंट गेटवे है। अभी हाल ही में जब नोटबंदी हुए थे तब से पेटीएम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। यहाँ बड़े शहरों में तो ऑटो वाले, दिल्ली मुंबई में भी नहीं, लखनऊ या जयपुर में तो ऑटो वाले भी पेटीएम अब लेने लगे हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले पेटीएम पे जाइए। पेटीएम पर अगर आपकी आईडी नहीं है तो इस पर आईडी बनाना काफ़ी आसान होता है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर आप क्लिक करिए, ये देखिए, अगर आपने आईडी नहीं बनाई है, लॉगिन या साइन अप, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर या ईमेल जो भी आपका होगा वो डालिए, और उसका पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरा ये नंबर है, मैंने इसमें पासवर्ड डाला, ये आ जाएगा। अब मैं अगर मैं नया आया हूँ तो मेरे को साइन अप करना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, मत डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना पेटीएम पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं वो आएगा और इसे पेटीएम वॉलेट बन जाएगा। मेरा पहले से वो है तो मैंने अपना नंबर डाला, ये पासवर्ड मेरा पहले से है, मैं सिक्योर लॉगिन कर दिया। एक OTP आया है मेरे मोबाइल पे, मैं उसको अगर यहाँ पे डालूँगा तब जाके मेरा जो है अकाउंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिक्योरिटी का लेवल है ये काफ़ी अच्छा है, जिसे जब भी आपको लॉगिन करना होगा तो एक कोड हमेशा आपके पास आएगा, जिससे कोई और आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आजकल केवल डायरेक्ट डालने की आदत हो गया है लोगों को। तो देखिए, ये मेरा दोस्त का अकाउंट है, इसमें मेरे पेटीएम वॉलेट में मेरे अभी पैसे नहीं है। अगर मेरे को मोबाइल का रिचार्ज करना है, प्रीपेड, पोस्टपेड, कोई भी रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी का करना है, DTH का करना है, मेरे को मोबाइल का रिचार्ज करना है, आसान है। मोबाइल नंबर डालिए, ऑपरेटर डालिए, अमाउंट डालिए, प्रोसीड टू रिचार्ज। प्रोसीड टू रिचार्ज डालने पे आपने पहले जो रिचार्ज किया हुआ है या आपका कार्ड डिटेल्स मांगेगा जैसे नॉर्मल में मांगता है, और फिर हो जाएगा।
अब आते हैं टाटा स्काई के रिचार्ज पे। टाटा स्काई का रिचार्ज या डीटीएच की कोई भी कंपनी, डिश टीवी या जियो की जो नई कंपनी आ रही है, इसमें कोई भी डीटीएच रिचार्ज हो यो पेटीएम के थ्रू भी हो जाता है। यहाँ पे भी सारे ऑप्शन देते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक इस साइट पे जाके करना है तो उसका भी ऑप्शन देता है। आप चाहिए यहाँ पे टाटा स्काई ऑफिशियल साइट रिचार्ज, गूगल में टाइप कीजिए टाटा स्काई रिचार्ज, टाटा स्काई रिचार्ज की वेबसाइट को ऑफिशियल साइट पे करिए, ये तो ऐड है तो इस पर मत कीजिएगा। यहाँ पे जो मेन ऑफर्स होते हैं वो आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली, आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। रिचार्ज ऑनलाइन का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे अपना माई टाटा स्काई रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिए जो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगली स्क्रीन पे आपको रिचार्ज करने के लिए जो ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है कार्ड्स, अगर पहले से सबमिट हैं तो हो जाएगा, नहीं है तो आपको फिर से डालना पड़ेगा। कार्ड्स डिटेल डालिए, ओटीपी आएगा और बस 2 मिनट में रिचार्ज हो गया। अब बात करते हैं वोडाफोन के रिचार्ज की। वोडाफोन आप गूगल में सर्च करिए, वोडाफोन का पेज आ जाता है, इसमें ऑनलाइन रिचार्ज का ऑप्शन है, ऑनलाइन रिचार्ज में करिए। ये ऑनलाइन प्रीपेड रिचार्ज है दोस्तों, आप चेंज भी कर सकते हैं ब्रॉडबैंड या पोस्टपेड जिस तरह का रिचार्ज है। नंबर डालिए, अमाउंट डालिए, और अगर आपको यहाँ पे अपना स्पेशल रिचार्ज देखना है तो यहाँ पे अब नंबर डाल के एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा आपके सारे पैक्स। और अभी हाल फिलहाल के लिए जो पॉपुलर पैक्स हैं जो हर किसी पे लागू होते हैं वो इसकी डिटेल्स यहाँ पे आती हैं। जैसे ये है 500 का पैक, मैंने क्लिक किया, इसकी डिटेल्स आई, और अगर मेरे को लेना है तो मैंने बाय नाउ किया और ये अगले ऑप्शन पे चला जाता है। इसके बाद वही दोस्तों जैसे मैंने बताया, एयरटेल में कार्ड डिटेल्स डालिए, एक्सपायरेशन डेट डालिए, नाम डालिए, CVV नंबर डालिए, मतलब जैसे नॉर्मल शॉपिंग होती है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसे आप डालना चाहें डालिए और ये हो जाएगा। अब ये था दोस्तों बेसिक चार चीज़ों का। अगर आप सोचते हैं कि और दिखाइए फ्री चार्ज अमेज़ॉन या कहीं पे भी, तो अमेज़ॉन पे भी आसान होता है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल से बताऊंगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपकी अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं और कैसे इसका फ़ायदा कर सकते हैं। तो ये था एयरटेल ऑनलाइन रिचार्ज, पेटीएम ऑनलाइन रिचार्ज, टाटा स्काई रिचार्ज और वोडाफोन का ऑनलाइन रिचार्ज। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।